Don't want to mislead. This is all you need. Be your everything. Yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill. Not just in it for the thrill. I'm in it for the love. Cause love it needs to touch it. You're pressing on my body. Babe, let me tell you something. हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं ओरछा और यहाँ पे हम करेंगे रॉक हंटिंग। तो जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल पर देखा ही होगा कि मैंने उस पर लिखा है कि आप कैसे फ्री में और अलग अलग टाइप के जो रॉक्स होते हैं जो अपने अपने एक्वेरियम एक्वास्केप के लिए यूज़ करते हैं, तो आप कैसे उनको फ्री में ईजिली अपने आसपास के एरिया से ले सकते हैं। तो आज हम लोग आए हैं ओरछा, यहाँ पे हम करेंगे रॉक हंटिंग। और ये जो नदी है यहाँ पे अपन को गोल पत्थर मिलेंगे जो कि एकदम चिकने रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं वाले पत्थर और कलेक्ट करते हैं उनको, दिखाते हैं आपको कि कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो आपके एक्वेरियम के लिए सेफ हैं कि नहीं, और आपको क्या क्या चीज़ें देखते हुए उनको घर पर ले जाना होगा कि आप ज़्यादा ना ले जाएँ घर पर, कम ना ले जाएँ। तो वो सब इस वीडियो में होने वाला है। ऐसी जगहों पे जैसे कि ये नदी है और यहाँ पे अपन को कुछ इस तरीके के पत्थर देखने को मिल जाएंगे जो कि अपने एक्वेरियम में बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो गोल पत्थर रहते हैं ऐसे इस टाइप के, और यहाँ पे आप ड्रिफ्टवुड भी देख सकते हैं, कितनी मस्त देखने को मिलती है अपन को। तो अपन यहाँ से ड्रिफ्टवुड वगैरह भी ले सकते हैं, अगर कोई टूटी डली हो तो वही लें, काट के मत लें। और ये देख सकते हैं आप, और मैं अभी चलिए आपको दिखाता हूँ कि इनमें से कौन सा जो स्टोन है वो अपने लिए एक्वेरियम के लिए सेफ होगा। तो उसकी कुछ प्रोसेस हैं जो अपन को टेस्ट करने रहेंगे, तो वो करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन करेंगे हार्डनेस टेस्ट। तो हार्डनेस टेस्ट करने के लिए अपन को कोई भी शार्प चीज़, नाइफ या कुछ भी शार्प चीज़ लेनी होगी, और उसको इसके ऊपर थोड़े हार्ड से ऐसे करना होगा अपन को स्क्रैच, और फिर देखना होगा कि इसमें मार्क्स बन रहे हैं कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मार्क्स बन गए हैं। तो ये वाला जो स्टोन है ये सॉफ्टर रहेगा अपने एक्वेरियम्स के लिए, और ये डिजोल्व होगा अपने एक्वेरियम में धीरे धीरे, और ये अपने एक्वेरियम के जो भी एक्वेरियम की केमिस्ट्री होती है उसको डिस्टर्ब करेगा, जैसे पीएच वगैरह हो गया, और उसके इसके जो मिनरल रहते हैं वो सब डिसॉल्व होंगे, तो उससे अच्छा नहीं रहेगा। अब दूसरा रॉक देखते हैं, जैसे कि ये रॉक हो गया, देख इसमें मैं हार्ड से कर रहा हूँ लेकिन इसमें कोई भी निशान नहीं बन रहा, तो ये अपने एक्वेरियम सेफ रॉक है और इसको अपन आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी डिसॉल्व वगैरह नहीं होगा अपने टाइम पीरियड के साथ भी, और इसमें कोई भी मतलब पीएच डाउन या टीडीएस वगैरह कोई भी हाई डाउन नहीं होगा इससे, तो एकदम सेफ रहेगा अपने एक्वेरियम के लिए। लेकिन इसके बाद भी कुछ प्रोसेसेस रहती हैं स्टोन को एक्वेरियम सेफ करने के लिए, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं अपनी। तो अब कर रहे हैं मिनरल कंपोजिट का टेस्ट, कि कौन से मतलब स्टोन में ज़्यादा मिनरल हैं जो कि अपने पीएच वगैरह को हाई डाउन करेंगे, टीडीएस वगैरह नॉर्मल नहीं रख पाएंगे एक्वेरियम का। तो उसके लिए अपन ये एचसीएल लेते हैं, आप विनेगर एचसीएल या म्यूरेटिक एसिड भी ले सकते हैं। तो उससे इसको अपन को डालना होगा, ये फिस करेगा जो बबल्स वगैरह निकलते हैं, अगर उसमें बबल्स निकले तो मतलब ये एक्वेरियम सेफ नहीं है। चलिए डाल के देखते हैं हल्का सा।
तो दोस्तों जो ये वाला स्टोन है ये इस पर हम लोग ने SCL एसिड डाला था तो ये फिस किया था और इसमें बबल्स वगैरह भी बने थे, मतलब रिएक्शन हो रहा था SCL का स्टोन्स में जो मिनरल कंपोजिट था उसके साथ और CO2 रिलीज कर रहा था वो, तो इसलिए वाला जो स्टोन है वो अपने एक्वेरियम के लिए सेफ नहीं रहेगा, इससे अपना जो PH, TDS वगैरह और वाटर केमिस्ट्री वगैरह एकदम बिगड़ जाएगी एक्वेरियम की, तो ये वाला अपन को नहीं लेना है स्टोन, अपन को दूसरा लेना है। तो दोस्तों जो ये दूसरा वाला स्टोन है इस पर हम लोग ने SCL डाला था तो इस पर देखा था कि ये फिस किया या बबल्स निकले, इसमें रिएक्शन हुआ है मिनरल कंपोजिशंस के साथ के नहीं, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, मतलब एकदम सेफ रहेगा अपने एक्वेरियम के लिए, कोई भी CO2 वगैरह रिलीज नहीं हुई थी बबल्स के थ्रू, तो एकदम सेफ अपने एक्वेरियम के लिए अपन यूज कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, इस पे हम लोग ने रिएक्शन तो किया था लेकिन उसकी वीडियो जो थी वो करप्ट हो गई है किसी कारणवश, तो इसलिए हम लोग वाली वीडियो नहीं डाल पाए, लेकिन आगे हम आपको और दूसरी चीज पे वो रिएक्शन करके दिखाएंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। आज हम लोग रॉक हंटिंग के लिए, जैसे कि आपको हमने अभी इसके पहले वीडियो में दिखाया, यहाँ पर चलना सीरियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एक बार तो गिर गया था, दूसरी गिरते गिरते बचा हूँ। ये रहे मेरे दोस्त नितेश, अर्पित एंड भूपेंद्र। तो अब आ गए हैं गड़मू झील और यहाँ पे हिली एरिया पूरा, और जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे पूरा एक झील टाइप है, पूरा एक तालाब है, एक लेक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में कि पूरे में स्टोन्स वगैरह हैं,
पूरा एकदम हिली एरिया है, तो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे एकदम जो शार्प एजेस वाले स्टोन होते हैं वो ले सकते हैं, आपको कैसे आप देख सकते हैं कि वो सही आपके एक्वेरियम के लिए कि नहीं, आप उसमें कैसे देख सकते हैं कि आपके एक्वेरियम में मतलब जितने आप लगें उतने ही ले जाएं, आप ज़्यादा ना ले जाएं अपने घर पे, और किस चीज़ में ले जाएं। तो सबसे पहले तो आपको एक बकेट चाहिए रहेगी, आप हमेशा जब भी स्टोन हंटिंग करने आए कहीं पे भी तो एक बकेट लेके आए साथ में, जिसमें आप स्टोन रख के ले जाएं, क्योंकि बैग वगैरह फट जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी रहते हैं स्टोन्स। और अगर आपको कुछ भी जैसे एक स्क्वायर बना लीजिए ज़मीन पे, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसके अंदर एक स्केप करिए और उसको स्केप करके देखिए एक टेम्परेरी हार्ड स्केप, और उसके हिसाब से अपने स्टोन सेलेक्ट करिए। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और अभी चलिए मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ, एक हार्डनेस टेस्ट और एक मिनरल कंपोजिट टेस्ट, क्योंकि उसमें मिनरल्स मेटल्स वगैरह अगर हैं तो वो आपके जो पीएच वगैरह और टीडीएस वगैरह है तो उसमें आपके जो एक्वेरियम का टीडीएस और पीएच है वो अप डाउन ना हो, तो ऐसे कौन से रॉक्स होंगे और उसके बाद जो प्रोसेस होगी तो वो अलग वीडियो आएगी। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं रॉक्स। और दोस्तों इसके पहले जहाँ प्लेस गए थे जो कि ओरछा थी, वहाँ पे हम लोग एक्चुअली शूट नहीं कर पाए अच्छी तरीके से, क्योंकि वहाँ पे जो एरिया था वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन था कैमरा यूज़ का, तो वहाँ पे पुलिस वगैरह ने मना कर दिया हम लोग को कैमरा यूज़ करने से, इसलिए फिर हम लोग ने बाद की वीडियो जो थी वो फ़ोन से शूट करी थी। और जो आपको स्टोन दिखाए थे वहाँ पे कि रिवर साइड आपको एकदम गोल और चिकने स्टोन मिलेंगे जो कि एकदम नेचुरल लुक देते अपने एक्वेरियम्स को, तो वहाँ पे मैंने आपको टेस्टिंग करके दिखा दी थी, लेकिन वहाँ पे एकदम मतलब जैसा सोचा था हम लोगों ने वैसी वीडियो नहीं बना पाए इस वजह से कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह बहुत थे। तो अभी हम लोग आ गए हैं गड़मऊ झील, और गड़मऊ झील में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एकदम स्टोनी एकदम हिली एरिया है, और यहाँ पे अपन को एकदम शार्प एजेस के स्टोन मिलेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम नेचुरल और एकदम शार्प एजेस के स्टोन्स हैं जो कि आपके एक्वेरियम को एकदम नेचुरल लुक देंगे। तो इसका हम लोग को टेस्ट करना होगा, सबसे पहले हार्डनेस टेस्ट करेंगे इसकी, और फिर इसको करेंगे मेटेलिक कंपोजिट टेस्ट, कौन कौन से मिनरल्स वगैरह अगर हैं इसमें तो उसको रिएक्शन करके वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे। अपने HCl और विनेगर यूज़ कर सकते हैं अपन, तो जो HCl एसिड होता है वो थोड़ा ज़्यादा हार्डी होता है, और जो विनेगर होता है बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा कम कंटेंट होता है एसिड का, तो उसमें अपन देख नहीं पाते हैं रिएक्शन जो होता है, उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए मैं अपने साथ HCl लेके आया हूँ थोड़ा सा इसमें इंजेक्शन में। तो चलिए सबसे पहले तो अपन एक शार्प चीज़ से इसका हार्डनेस टेस्ट करेंगे, फिर HCl के थ्रू इसकी जो मिनरल कंपोजिट टेस्ट है वो करेंगे, और ताकि अपने जो एक्वेरियम का पीएच और टीडीएस है वो अप डाउन ना हो। तो चलिए करते हैं सबसे पहले हार्डनेस टेस्ट। तो जैसे कि ये वाला स्टोन है, तो उसको हम लोग तो देख सकते हैं आप, कोई भी निशान नहीं बन रहा है इस पर, तो ये हार्डनेस पे तो पास है ये वाला स्टोन। और कोई और से स्टोन पे आपको करके दिखाते हैं जो कि हार्डनेस टेस्ट पास नहीं कर पाएगा, जैसे कि ये वाला, ये लग रहा है मुझे जैसे हार्डनेस टेस्ट पास नहीं कर पाएगा ये स्टोन। हाँ, ये नहीं कर पा रहा, ये पूरा मतलब टूट सा रहा है, देख सकते हैं आप कैमरे में शायद विजिबल ना हो आपको, कुछ कुछ पार्ट इसका जो है वो मतलब सही है एक्वेरियम के लिए, जैसे ये वाला पार्ट है, लेकिन ये जो ये वाला पार्ट है ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें जब मैं इसको स्क्रैच कर रहा हूँ तो इसमें स्क्रैच मार्क्स, और साथ ही साथ इसका जो स्टोनी स्टोन है वो हल्का हल्का सा झड़ रहा है, तो ये सेफ़ नहीं है इतना। और अब चलिए करते हैं इसको मिनरल कंपोजिट टेस्ट, कि इसमें कोई मेटल्स और कोई ऐसे मिनरल्स तो नहीं है जो अपने एक्वेरियम को हार्म करेंगे अपने फिशेस के। तो सब उसके लिए हम लोग ये HCl ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसके थ्रू करेंगे। तो इसको हम लोग को बस इस पर ऊपर से डाल के देखना होगा कि ये फिज़ ना करें, मतलब जो बबल्स बनते हैं रिएक्शन के थ्रू जब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो वो चीज़ ना हो इसमें। तो उसको आराम से डालिए और फिर थोड़ा वेट करिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है, तो मतलब ये स्टोन अपने एक्वेरियम के लिए एकदम सेफ़ है। बस इसमें कुछ बैक्टीरियाज़ वगैरह होंगे जो कि अपने एक्वेरियम के फिशेस को हार्म करेंगे, तो उसके लिए एक और प्रोसेस होती है ब्लीचिंग वगैरह हॉट वाटर, तो उसकी एक अलग वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो ही रहेगी। तो अभी आपको दूसरे स्टोन में करके दिखाता हूँ जिसमें ये रिएक्शन शायद काम करेगा, अगर ये सेफ़ नहीं हुआ तो अपने एक्वेरियम के लिए मिनरल कंपोजिट में। हाँ, इस वाले जो स्टोन है इसमें तो हल्का हल्का सा रिएक्शन हो रहा है, मैं देख सकता हूँ यहाँ से, मतलब थोड़ा सा स्मोक टाइप सा उठ रहा है और हल्के हल्के से बबल्स हैं, हो सकता है आपको कैमरे में विजिबल ना हो क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा माइल्ड है, क्योंकि HCl भी जो है वो एक थोड़ा माइल्ड एसिड होता है, एकदम इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर आपको प्रॉपरली चेक करना है तो आप उसके लिए म्यूरेटिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों, इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं आपको कौन सा स्टोन सही रहेगा अपने एक्वेरियम के लिए, कौन सा नहीं रहेगा सबसे, और ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने मतलब जितने स्टोन्स आपको चाहिए उतने स्टोन्स आप घर पर ले जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको उसको एक फ्रेम बनानी पड़ेगी ग्राउंड पर, उसमें आपको एक्वास्केप करके देखना पड़ेगा स्टोन से। तो चलिए करते हैं।
तो पहले हम यहाँ पे एक रफ आउटलाइन बनाते हैं अपने एक्वेरियम के अकॉर्डिंग, जैसे आपका 5 फीट है, 4 फीट है, 3 फीट है, 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक रफ लाइन बनाइए और उसके अंदर एक रफ हार्ड स्केप करके देखिए कि कौन सा स्केप और कैसा स्टोन आपके एक्वेरियम में अच्छा लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर वाले स्टोन आप अपने बकेट में रख के घर ले जा सकते हैं। ऐसे ही आप कोई भी स्टोन अगर ले जाते हैं तो फिर आपको वो घर पर बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा कि आपको उस पर फिर उसको मोल्ड करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, मतलब उससे हथौड़े वगैरह से तोड़ना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा सही नहीं रहेगा। एक रफ आइडिया ले लीजिए यहीं पे और फिर उतने ही कलेक्ट करके जाइए, क्योंकि यहाँ पे तो इतने ज़्यादा स्टोन्स हैं तो आप सब तो ले ही नहीं जा सकते। तो चलिए करके देखते हैं अपन, एक छोटे से अराउंड 2 फीट एक्वेरियम के लिए करके देखते हैं। तो ये मैंने 1x2 का एक फ्रेम बनाया है, उसके अंदर हम लोग छोटा सा स्केप करके देखेंगे कौन से स्टोन्स अच्छे लगेंगे, तो वो हम लोग फिर घर पर ले जाएंगे और उसको घर पर ले जाने के बाद फिर क्योरिंग का बताऊंगा आपको कैसे क्योर वगैरह करते हैं। तो एक हम लोग रफ आइडिया लेते हैं, तो सबसे पहले रूल ऑफ थर्ड से चलेंगे हम लोग, तो फ्रॉम वन साइड स्टार्ट करते हैं और एक साइड को थोड़ा खाली रखने का सोचा है हम लोगों ने, तो रूल ऑफ थर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पर। और थोड़े प्लांटेशन वगैरह का भी सोचा था जो एक्वेरियम के लिए हम लोग ले रहे हैं स्टोन, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितना सही पीस है एक स्टोन का। यहाँ पे आप इसको अंदर गाड़ तो नहीं सकते, ऐसे ही इसको टेम्परेली टिका के आप आइडिया ले सकते हैं एक। तो कुछ इस तरीके का अपन एक आइडिया ले सकते हैं। मैंने आपको एक आइडिया लेने के लिए भी स्केप करके दिखा दिया छोटा सा, रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से करा है तो एक ही साइड किया है, बाकी में नहीं किया है। इस साइड से मैं प्लांटेशन मतलब एक थोड़ा स्लोप सा बनाऊंगा और यहाँ से प्लांटेशन वगैरह स्टार्ट होगा, नीचे कारपेट होगी, तो इस टाइप का कुछ सोचा था। तो एक रफली आपको एक करके दिखाया कि आप ऐसे करके ले सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा तो इसलिए अभी हम लोग ने जल्दी कर दी। तो यही थी आज की वीडियो, पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक नया कुछ ट्राई करने की कोशिश करी थी, एक आउटडोर वीडियो। पहले मैं सोच रहा था कि इंडोर में बस आपको प्रोसेस करके दिखा दूं, लेकिन फिर एक आइडिया कि क्यों ना इसको आउटडोर पर रखी जाए पूरी वीडियो को, एक थोड़ी से थोड़ा सा ब्लॉगिंग करने का भी सोचा था और थोड़ा सा ये, लेकिन जो ओरछा में किया था तो वहाँ पर थोड़े रिस्ट्रिक्शंस थे तो वहाँ पर अच्छे से नहीं हो पाया। तो जैसा भी था फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना वीडियो अपने फ्रेंड्स और हॉबीस्ट में जैसे भी आप जानते हो, लाइक बटन जरूर दबा देना। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब बटन दबाए बिना बिल्कुल मत जाना, वो बेल आइकन भी दबा देना ताकि सबसे पहले एक्यूरेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल के थ्रू मिले। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोगों की होगी कि कैसे स्टोन्स को एक्यूरियम सेफ बनाया जाए, मतलब इसमें कुछ बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं, आउटडोर पर डले रहते हैं तो बैक्टीरियाज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं फिशेज के लिए सेफ नहीं रहती हैं, अपने एक्यूरियम में एल्गी इशूज वगैरह भी आते हैं जिसकी वजह से, तो उन सबको खत्म करने के लिए क्या क्या करना चाहिए सारे स्टेप्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।